गुड मॉर्निंग बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.4 करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़। पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न, डिवाइडिंग अ नंबर बाय वन। अगर किसी भी नंबर को वन से डिवाइड करते हैं तो हमें वही नंबर मिल जाता है। जैसे 5 डिवाइडेड बाई 1 तो 5 मिलेगा, 10 डिवाइडेड बाई 1 तो 10 मिलेगा, 20 डिवाइडेड बाई 1 20 मिलेगा, है ना। और अगर किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर दें तो हमें 1 मिल जाता है। जैसे 6 को 6 से डिवाइड किया तो 1 मिला, 12 को 12 से डिवाइड किया 1 किया 1 मिला, 26 को 26 से डिवाइड किया तो 1 मिल गया, है ना। और अगर किसी को 0 से डिवाइड करें, है ना, अगर 0 को 3 से डिवाइड कर रहे तो 0 मिल रहा है, और अगर हमें 0 से ही डिवाइड कर रहे हैं तो वो नहीं होता, वो कभी होता ही नहीं है, ठीक। डिविडेंड निकालना हो तो डिवाइजर और क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिविडेंड हमें पता चल जाता है। चलिए एक्सरसाइज करेंगे 5.4। फिल इन द ब्लैंक्स। 9 डिवाइडेड बाई 1, किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है। ये सब बुक में करना है बेटा, ये दोनों क्वेश्चन आपको बुक में करने हैं। 43 डिवाइडेड बाई 1 तो 43 ही मिलेगा। 0 डिवाइडेड बाई 9 0, यहाँ डिविडेंड में 0 है तो चल जाएगा, यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो 17 डिवाइडेड बाई 1 17 मिलेगा, 10 डिवाइडेड बाई 10 तो 1 मिलेगा, सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो 1, 18 को 18 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 मिलेगा, 26 को 26 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 मिलेगा, ठीक है। 0 को 14 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 मिलेगा, 38 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो 38 मिलेगा। अब देखो 48 को किसी चीज़ से डिवाइड किया तो हमें 48 मिला, यानी कि यहाँ पर 1 हुआ, है ना। 36 को डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोग 36, यानी कि यहाँ पर भी 1 होगा, 36 को 1 से डिवाइड करेंगे हम। 0 को डिवाइड किया 6 से तो 0 मिला। 71 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 71 मिलेगा। 91 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो 91 ही हमें मिलेगा, कोई दूसरा नंबर तो मिल ही नहीं सकता ना। 0 को 23 से डिवाइड करेंगे तो 0। ये फिल कर दिया मैंने, ठीक। आप भी इसको देख करके फिल कर लो। अगर मान लो आप अपने आप को उतार नहीं पाए हो तो एक तो पहली बात अपने से कोशिश करने की कोशिश करना। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप इसको वीडियो पॉज कर लो और इसको नोट कर लो, ठीक है। अगला देखो, फाइंड द डिविडेंड, यूज क्वेश्चन इनटू डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड। क्वेश्चन और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिविडेंड मिलेगा। देखो ये क्वेश्चन है, जो आंसर आता है उसको क्वेश्चन बोलते हैं और जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं। ये मैंने कल भी बताया था, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, क्वेश्चन इंटू डिवाइजर, यानी कि 3 × 7, यानी 3 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे तो 3 × 7 = 21, तो यहाँ 21 हो जाएगा। अब 30 देखो, 6 × 3 = 18, यानी कि 180, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा। अब इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 6 = 36, वाह, ठीक। अब देखो 11 को 5 से करेंगे तो ये 55 हो गया, 9 × 6 = 54, 8 × 3 = 24, 7 × 9 = 63। अब ये आप करेंगे दो, है ना, 13 और 11 वाला ये आप करेंगे। और क्या करना है, क्या है, ये क्वेश्चन है और ये डिवाइजर है। क्वेश्चन पर इंटू डिवाइजर करते हैं तो हमें डिविडेंड मिलता है, इसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा, इनको याद रखना है आपको डिवाइड करते समय। अगर इनको याद रखेंगे तो आपको डिवाइड करने में कभी भी दिक्कत महसूस नहीं होगी, ठीक। इसको कर लेंगे, फिर आगे की क्लास में मैं आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड आपको बताऊँगा जिसमें रिमाइंडर नहीं आएगा, ठीक। टेबल्स आपको सारे लर्न होने चाहिए, टेबल जब तक लर्न नहीं होंगे तब तक हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, टेबल लर्न होने चाहिए आपको। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।